जनपद को मिली 3,30,00,000 की पोस्ट ऑफिस कार्यालय जनता को मिलेगी पासपोर्ट की सुविधा। एंकर जनपद सिद्धार्थ नगर में अपने निजी भवन के साथ डाक सेवा देने का काम डाक विभाग करेगा, जिसके क्रम में उद्घाटन आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि संचार मंत्री एवं रेलवे प्रभार मंत्री मनोज कुमार सिन्हा रहे। इस पोस्ट ऑफिस को नया नाम भी दिया, जहाँ तेतरी बाजार के नाम पर जाना जाने वाला पोस्ट ऑफिस रहा। वहीं लोकार्पण समारोह में संचार प्रसार मंत्री एवं रेलवे प्रभार मंत्री मनोज न्यास करने जब आएंगे उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी अभी तैयारी करें, इस बार तो नहीं लेकिन 2024 में हो सकता है कुछ कर सकते। ये जानकारी मनोज सिन्हा ने मीडिया के सामने दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बुनियादगंज सांसद जगदम्बिका पाल, बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, लोकसभा प्रभारी दुर्गा राय, भाजपा जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी, राजू सिंह, श्याम सुंदर मित्तल व तमाम भाजपा कार्यकर्ता व जनता मौजूद रहे। 132 छोटे ब्रिज, 2 बड़ी नदी ब्रिज और बहराइच, बलरामपुर, झारखंडी, खलीलाबाद, आजादपुर, बरबेहरा, भिंगा, लक्ष्मणपुर, गोरपुरवा, लिकौना, श्रावस्ती, खागीजोड़, श्रीदत्तगंज, उतरौला, बंजारा, डुमरियागंज, भागोबौर, बांसी, खसरहा, मेहतावल, भगौली बाजार, ये सभी स्टेशन इस रेलखंड पर बनने वाले हैं। बारहाट भी, घुसवा, हरिहरपुर, बिशुनपुर, रामनगर, हसदौल, महेशबाड़ी, कपूसपुर, चिरकुटहार, पिरमाहा, धनकपुर, टिकारिया, रमवानपुर दुबे, पसाई भटिया, ये इस तरह के अनेक रेलवे स्टेशन और हाल्ट हम बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल के विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास को ये परियोजना बड़ी गति देगी। 4.5 वर्षों में कुछ कामों का दोहरा जिक्र कर देना जरूरी है कि लोगों के स्मरण में बना रहे। गोंडा बढ़नी के गेज कन्वर्जन यरामान परिवर्तन का काम 448 करोड़ की लागत से हमने पूरा किया है। 20 लाख रुपए की लागत से बने हुए डाक भवन का मैंने लोकार्पण किया है। शीघ्र ही आज इसका उन्नयन भी मैंने कर दिया है, प्रधान डाकघर बना दिया है और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम भी आज से यहाँ प्रारंभ हो गया। 3 लोगों ने अभी पंजीकरण कराया है जिन्हें 15 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सुविधा इस जनपद के लिए हमने उपलब्ध कराई है। सर, बीएसएनएल